नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 स्मार्ट सिटी सहारनपुर वार्ड नंबर 31 स्थान नयाबास बसनवाला बाग में नाले का निर्माण न होने के कारण महामारी बीमारी का खतरा। प्राइम न्यूज 24 की बड़ी कवरेज, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही धज्जियां। सहारनपुर के मानक मऊ वार्ड नंबर 31 में पानी की निकासी न होने के कारण महामारी बीमारी का प्रकोप जारी है। जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद व आला अधिकारियों के संज्ञान में होने पर भी नहीं हुआ समाधान। नाले का निर्माण अधीन होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का करना पड़ रहा है। लोगों की समस्याओं का नहीं हो रहा है कोई समाधान। सवाल यह है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी होने पर भी इस तरह के हालात क्यों हैं? आखिर जनप्रतिनिधि व आला अधिकारी मौन क्यों? प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो चीफ MD इंतजार मलिक की खास रिपोर्ट। नहीं, ट्राली भर के ले गए, क्या नाम है, नवाबगंज चौक पे जिम्मेदार है वहाँ रहने वाले। कई बार ट्रैक्टर ट्रोले भर भर के ले गए, गाड़ी भी ले गए भर के, पर इसका जो है उतार होने में आता ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, बताइए क्या कहना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के संज्ञान में, और सब लोगों को हम बार 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 रिपीट करा चुके, राउंड दिला चुके यहाँ। सबसे पहले हमारे पार्षद साहब हैं, कॉलोनी के ही आदमी हैं, रहते हैं और पूरा सब कुछ उनके संज्ञान में। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं सहारनपुर देहात से, मिस्टर जनाब मसूद अख्तर साहब ना जाने 10 मरतबा यहाँ का राउंड लगा चुके। जब भी यहाँ कोई इंसिडेंट होता है, पानी भरता है या पानी की निकासी नहीं होती, हम जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं निकासी का इंतज़ाम करा रहा हूँ, नाला पास हो गया, बस टेंडर छूटने वाला है। लेकिन अभी तक हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ यही सुना है कि हाँ बनवाने वाला मैं ही हूँ, चाहे वो हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि है। थर्ड नंबर पर हम आते हैं, हमारे मेयर साहब संजीव वालिया साहब हैं, 2-3 बार नगर निगम के कुछ अधिकारियों के साथ, नाम तो मैं जानता नहीं कौन कौन अधिकारी थे, उन अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरा दौरा किया इस नाले का भी और पीछे वाले नाले का भी। उन्होंने कई बार हमें कहा कि ये नगर निकासी की योजना के तहत बनेगा। ये लोग आ रहे हैं काफ़ी, जो बचे हम भी इनसे बचना चाहेंगे। जी बताइए क्या नाम है आपका। मोहम्मद रजा जी। अरे रजा जी, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो उस पर, यहाँ पे इस रोड पर गाड़ी कैसे गुजार रहे हो आप? जी भाई जी, कोई सुविधा नहीं होती है हमारी, क्या कर सकते। अरे चोट लगने का खतरा है इसमें तो? हाँ जी बहुत ज़्यादा, ये तो पानी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है। तो आपने संघर्ष किया, कुछ संघर्ष करो यार, युवा हो तुम तो। 2-3 बार करा भी लेकिन कुछ होता ही नहीं जी। अच्छा, कुछ नहीं समाधान नहीं जी कोई समाधान। यहाँ पे तो मकान गिर जाते होंगे इस तरीके से नाले की जो कंडीशन है। 3-4 मकान गिर भी गए अब से पहले। अच्छा जी जी, अब भी 2 आगे वो गिरने को ही हो रहे। कुछ जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे? हाँ एक बच्चा भी है, हम इससे भी बात करेंगे। हाँ छोटू, क्या लेने के लिए आया है? क्या लेना आया? अरे क्या लेने के लिए आया है? सामान लेना है बच्चा, बताओ। सामान? सामान क्या? सामान लेने के लिए आया? तेल। तेल? अरे तेल कैसे लेके जाएगा इस पानी में को? अभी 4 बार गिर गया अभी बंदा का। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो समस्या का से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग और जनप्रतिनिधि किस तरीके से जागरूक है हमारे सामने। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है यहाँ पे, कोई पार्षद विधायक किसी तरीके का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई समाधान करो, इसके अंदर पानी बहुत हो रहा है, यहाँ पे बीमारी बहुत फैल रही है। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है स्वच्छ भारत मिशन का, उस आह्वान के विपरीत यहाँ पे काम है। हमारे कैमरामैन दिखाना चाहेंगे लोगों की, जो नाले का निर्माण है, लोग काफी परेशान है। ये एक सड़क है यहाँ पे जो नाले के समीप सड़क है, इस सड़क का निर्माण ना होने की वजह से लोगों की पानी की निकासी नहीं है। ये जो सड़क पे काम हो चुका है पर जो नाले का निर्माण है वो अधीन है।